नमस्कार। तो आज अपन मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल स्टॉक के ऊपर बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। मैंगलोर रिफाइनरी स्टॉक की बात की जाए तो कंटिन्यूस गिरावट नज़र है। इसके पहले भी स्टॉक ने इंपॉर्टेंट लेवल जो थी 200 लेवल उसको ब्रेकडाउन किया था और ब्लू कलर की लाइन जो है 200 डेज का मूविंग एवरेज उसको भी ब्रेकडाउन किया था। उसके बाद स्टॉक ने 180 लेवल को ब्रेकडाउन किया है। आज यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मोमेंटम काफ़ी वीक, तकरीबन 4-5% की गिरावट हो चुकी है MRPL के अंदर। पर यहाँ पे एक अच्छी बात यही है कि स्टॉक जितना नीचे जाता है एक निवेश करने के एक अच्छे लेवल पे आप लोगों को देख सकते कि लो लेवल पे निवेश करने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि स्टॉक ने तकरीबन आप लोग देख सकते कि 200 एंड यहाँ पे क्लियरली देखोगे 200 एंड यहाँ पे आप देख सकते कि स्टॉक का जो हाई बना था 290 के करीबन था, वहीं से गिर कर तकरीबन 100 पॉइंट से ज़्यादा गिरावट हो चुके हैं। वॉल्यूम्स वीक आ रहे और उसी के कारण और नीचे जाने के चांसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। नीचे 160 पे अगला सपोर्ट लग सकता है देखा जाए तो MRPL पे।